इससे जो ध्यान का ताल्लुक है माली नुकसान का ताल्लुक है, क्या तवानाई और हमारे बीच सिर्फ बहरान का ताल्लुक है? बचानी होगी हर इंडस्ट्री, इसलिए आ रहे हैं वासे चौधरी। मुस्कुराने वालों और चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? यकीन करो वीडियो गेम के कमांडो लग रहे जी। कौन सी? बच्चे नहीं कहते होंगे कि यार इसे ना मांगना, ये फौरन मर जाता है। अच्छा, अच्छे हाल से लग रहे हैं, वो काफी फिट हो गए हैं पहले से। आपको सीखना चाहिए होगा, उन्हां को कुछ सीख लो चंगे रहोगे। क्या सीखे? भांडे एडे सोहने धोंदे ने उन्हां दा। बिल्कुल सही कहा अकरम उदास साहब ने, क्या मैंने पतीला साफ करके रखा। एकदम वासे भाई देना मुंह से आलू पे, एक इथे आलू, एक इथे आलू। मैं कह की होया कहंदा भाभी तुहाडी ना जान रही, उहदा पैर फिसल गया। मैं कहा डिगे भाभी ते आलू तुहानू पे ने। कहंदे मेरा हासा निकल गया। वासे भाई से इनका बेटा पूछने लगा कि पापा ये सांडू क्या होता है? तो वासे भाई आगे से कहने लगे कि बेटा एक ही कंपनी से दो बंदों को इकट्ठा लॉस हो तो उन्हें सांडू कहते हैं। ठाकुर साहब ना भाभी आए ना मसले की वाइफ घर आए ना, कहते ठाकुर साहब शुक्र एक्सीडेंट होने लगा सी, मरदी मरदी बची। तो अगो कहते अज भी मेरी दुआ कबूल नहीं आई। ठाकुर साहब ने चोरी की थी तो भरिया पै गई। चोरी कहता ये दोवें कन्न वड़ दो, तो रोन लग पे। कहते मैं अन्ना हो जाऊंगा, मैं अन्ना हो जाऊंगा। मैं कहा कन्न वड़ने तो अन्ना कहते ना हो जाओ। कहता एनक मैं तेरे कन्ना ला ली। विजय बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, कराची तशरीफ लाए हुए हैं, एक्टर मॉडल फिल्म मेकिंग पड़ी और अब कैमरे के सामने रहना चाहते हैं, जनाब यासर अली खान। उनका साथ देने के लिए एक और यंगस्टर जो कि कराची से तशरीफ लाई हुई हैं, एक्टर मॉडल मोहतरमा नवाल सईद। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान हैं। एक छोटी सी मैं नज़म लाया हूं जी नवाल जी के लिए, वो हमारे एक पुरानी याद है। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी मैं खफा कभी वो खफा। यूं ही रंजिशों में गुजर गए, कभी मैं खफा कभी वो खफा। वही मंजिलें वही रास्ते, ना उसे खबर ना मुझे पता। कभी अपनी अपनी अना में गुम, कभी मैं जुदा कभी वो जुदा। गल्लां बातां रौनक मेले, दर्शन शाम सवेरे। गल्लां बातां रौनक मेले, दर्शन शाम सवेरे। सजना नाल बहारां ते सजना बाद हनेरे। मेरा शेर तो नवाल जी के लिए है जी। जी ये तेरी चाहत को अपने दिल में ऐसी जगा दूंगा, चाह कर भी तुझको मैं कभी ना दगा दूंगा। एक मर्तबा तो मोहब्बत का इजहार करो नवाल, तुम्हारे मोहल्ले में जितना भी कूड़ा है सब उठवा दूंगा। लोगों ने शेर नवाल आपके लिए पढ़े, आपको समझ आई? मुझे पंजाबी वाला समझ नहीं आया। पंजाबी वाला समझ नहीं आया। अच्छा, ये तो नाल दे दें। और बाकी के जो दोनों हैं वो समझ आए आपको? और सबसे ज्यादा आपको दीदा जेब कौन सा लगा इनमें से? मुझे सर का बहुत। कराची से आए हो और पूरा दिल को ना लगे, कैसे हो? लेकिन
लेकिन जो भी कोई ऑफर कराता है आजकल कराची के अंदर एक कूड़ा उठवा देगा, वो बात दिल को ही लगती है और इंसान का दिल उसकी तरफ जाता है। क्या ये सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह। ये मुझे बताएं कि यार ड्रेस बड़ा जबरदस्त है आपका, ये इन्होंने सब तो ज्यादा तो कूड़ा चुकिया है, फर्स्ट आए ने। बिल्कुल सर, सो यू हैव एन आइडिया। यस यस, ठीक है। मुझे पहले ये बताएं, फिल्म मेकिंग आपने पढ़ी जी, उसके बाद फिल्में बनाने के बजाय आप फिल्मों में आने के चक्कर में आ गए? जिधर मौका लगा मैं उधर आ गया। मुझे नहीं, मगर मौका कैसे लगा? क्या मुझे किसी ने कहा एक दिन तुम्हारी शक्ल तो कैमरे के सामने होनी चाहिए, तुम किधर पीछे छुप रहे हो? तुम पीछे क्या कर रहे हो? है कुछ ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल। कौन थी वो? कौन थे वो? काफी सारे लोग। काफी ज्यादा थे? कौन कौन थे? लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, मैं फिल्म मेकिंग से पहले भी मैं मॉडलिंग ही कर रहा था। ठीक है। तो मेरा शौक था कि मुझे डायरेक्शन पढ़नी थी, कैमरा पढ़ना था, मुझे उसकी सारी टेक्निकलिटीज पता करनी थी। ठीक है। सो मैंने 3 साल का फिल्म मेकिंग पढ़ा और साथ साथ मॉडलिंग और एक्टिंग। लेकिन भाई जान, आपने फिल्म की भी आपको फायदा नहीं होगा। नहीं, फिल्म नहीं, जितने पैसे मिलने सारे नहीं, तुझे कटाई करवा लिया करनी। ये डिजाइनर कपड़े, तुम्हें क्या पता आजकल के फैशन का? सर केड़ा डिजाइनर जिन्हें थे खलो के डिजाइन किया सारा मेकअप। अरे यार, वो एक फिट आदमी है, उसको इस तरह के फिटेड कपड़े। अगर वो फिट आदमी है, हम भी दुर फिट आदमी है। और ये जो तुम आके साथ ही मर्दाना मॉडल्स के कपड़ों की तस्दीक करने की कोशिश करते हो, ये तुम्हें नहीं पता आजकल कितने फैशन है? नवाल आप बताएं प्लीज। जी जी, बहुत डिफरेंट कपड़े आते हैं आजकल लड़कों के भी, हमें लगता है कि। नवाल थोड़ा सा ऊंचा बोले, मैं हूं ना, क्यों घबराई? आप थोड़ा सा ऊंचा, इसलिए घबराई हुई है कि आप हैं। जी नवाल बताइए। सर आपकी रेपुटेशन थोड़ी सी खराब है। थोड़ी सी? थोड़ी सी सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इस काम से वर्ल्ड कप मिलने लगा है। इस काम की वजारत मेरे को ही है। आपको किसी ने क्या शिकायत की इनके बारे में? सर मैं देख रहा होता हूँ कि ये माशाल्लाह खातून के साथ जो है ना, और आप देख रहे होते हैं कि इनकी कामयाबी का तनासुब कितना ज्यादा है जी, कि माशाल्लाह आज। लेकिन अल्लाह नजरे बस से बजाए, माशाल्लाह हर मर्तबा रिजेक्ट होता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ किसी चीज में कंसिस्टेंट है ये? सर मुझे लग रहा है कि आज नहीं होंगे। आपको क्यों लगता है कि आज नहीं होंगे? क्योंकि माशाल्लाह इनका पहला शेर ही इतना अच्छा था। शेर पहले पहले अच्छा होता है, बाद जो शेर अंदर हो जाता है। मगर आप मुझे बताएं नवाल, छोड़े इन लोगों की बातों को, आप बताएं, आप फैशन के बारे में प्लीज इनको बताएं थोड़ा सा, ताकि ये भी कोई अपनी फैशन सेंस ये देखें, उन्हें बताएं कि क्या उनको क्या करना चाहिए, उनको भी ऐसे कढ़ाई वाले कपड़े पहनने चाहिए। जी जी, आपको भी पहनने चाहिए ऐसे कपड़े। ठीक है, आजकल तो बड़े नए फैशन आ गए। आप हुक्म करें, मैं धोती कुर्ते तो टाई ला लांगा। तुझे ऐसा ही होता है ना, हमारी जिंदगी में मसला बनता है। तो प्यारी लग रही है माशाल्लाह, तो यासर भाई भी आज प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, यकीन कर लो कोई एक्टर लग ही नहीं रहने लगता, अपना बैंड लेके आए तुझे। आपने मुझे बता देना जो जिस चीज की समझ ना आए, क्योंकि सारी जिंदगी गुजारनी। हम भाइयों ने मिलके सबने। तुम क्यों अड्डे मसले? पिछली बार भी तुमने यही किया था और वो कुछ ना हुआ था, तुम क्यों बार बार इस चीज पर अड़े? इस मरतबा वो जहन बना के आई है माशाल्लाह। लेकिन मैं इस मरतबा कहूंगा नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। नवाल, इनको तो दोस्तों ने कहा के, और इन्होंने टेक्निकल नोहा हासिल करनी थी, आपको किन्होंने कहा? या आपका अपना शौक था? मुझे शौक भी था और मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। फिर उनके कहने पे भी मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने कमर्शियल से मुझे स्टार्ट करवाया था, ड्रामाज और फिर करते करते अभी। एंड यू स्टार्टेड आउट वेरी वेरी यंग। वेरी यंग, यस। आई वाज, आई थिंक 5 years अगो, आई वाज 15 years ओल्ड, 14 years ओल्ड। तो इतनी जल्दी क्या थी बेटे, मतलब को थोड़ा वेट ही कर लेती क्या? टीवी भाग जाना था कहीं पे? माय डैड वाज सेइंग कि तुम पढ़ाई भी साथ करती रहो और अगर तुम्हारा जो स्पेयर टाइम है उसमें तुम जो करना चाहती हो वो करो। तो पहले मैं म्यूजिक के लिए नेपा जाती थी। अच्छा। फिर वो वहां से गिटार कोर्सेज खत्म किए तो फिर मैंने कमर्शियल शुरू कर दी। अच्छा, गाने का शौक था आपको या इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग का शौक था? गाने का शौक था, लेकिन स्टार्ट मैंने गिटार से। अच्छा, और क्या गाती हैं आप वैसे? जी। अच्छा, क्या पसंद है आपको म्यूजिक में? डिपेंड करता है मूड पे। वो गाना सुनाया ना, शुक्रिया शुक्रिया मेरे पिया। कैसर पिया। वैसे ही बताया। अच्छा, क्या मूड के मुताबिक आजकल क्या मूड चल रहा है? मैं बहुत डिफरेंट, मतलब लाइक व्हाट? आप इतना आज तक क्यों बोल रही, तेरे लगे ऑपरेशन हो रहा कोई? नहीं यार, वो बोलने लगती है तुम बीच में आए तो। अच्छा बताइए, मैं आजकल क्या सुन रही हूँ? सुपरस्टार फिल्म रिलीज हुई, उसके गाने सुन रही हूँ। ठीक है, बस
मूड पे डिपेंड करता है, जो दिल चाहता है सुन लेती हूँ। तो क्या आजकल दुखी मूड है, हैप्पी मूड है? हैप्पी है, हैप्पी है, हैप्पी मूड है। तो क्या सुन रही है हैप्पी में, कोई पर्टिकुलर गाना जो आपको बहुत ऑल टाइम फेवरेट हो? ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग रिपीट पे चलते रहता हो, या मे बी यू नो यू लिसन टू इट मोर देन द अदर्स? आई एम लिसनिंग टू आसिम अजहर्स गलत फहमी। गलत फहमी वेरी नाइस सॉन्ग फ्रॉम सुपर स्टार। खूबसूरत लड़की, हैप्पी मूड ते गाने भी अच्छे सुनने, ते साड़ियां पेंड अल्लाह माफ करे अगर खुश हो ही जान ते छत ते चढ़ के नवाल। तो गलत फहमी आप आसिम अजहर का सुन रही हैं जी, जबरदस्त। तो कभी आसिम से मुलाकात हुई है आपकी? आसिम से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, नहीं, नॉट। तो वैसे अगर आसिम अजहर आपको सुनाए खुद लाइव गाना तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी, जी। फिक्र ना करें, मैं आसिम को नहीं बुला रहा हूँ, हमारे पास नहीं है। मैं इस किस्म का कोई सरप्राइज नहीं पुल ऑफ करने वाला। अभी आप कह रहे थे कि गाने का है भी आपको, तो गाने में कौन सी फॉर्म पसंद है आपको खुद सिंग करने में? आई लाइक स्लो शॉर्ट सॉन्ग्स। यस, स्लो मतलब एक अंतरा गा के फिर 5 मिनट बह जाना। आप इसे जरा ये सुनाए गलत फहमी, इसकी तो दूर करें ना। थोड़ा सा हमें भी सुनाए। सही बात है, मैं आपको सुनाती हूँ। मैं तेनु समझावा। चले आप पहले समझा दें। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मुझे पता है। मैं तेनु समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनु समझावा के। वाह वाह जी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपका बनता नहीं था ये गाना, इस तरफ देख के गाना इधर ही बनता सीगा। ए टीटे नु जिन्ना मर्जी समझा लो, इन्नू नहीं असर। तेरे उन्होंने बताया तूने पंजाबी समझ आती नहीं है? उन्होंने पंजाबी की समझ नहीं आती, गाना तो ना इंग्लिश गाया है ना। आपको आती उर्दू? जी आती है। जरा बोलिए। और कैसे हैं आप, ठीक है? किससे पूछ रहे हैं? जिन्हें उर्दू आती जवाब दे देगा अभी थानू की। कहानी और है ये नहीं है पहले वाली, और है पिलाते हमको मुजरे सेहत, और खुद जो पीते हैं वो पानी, और है लूटी है दौलत जिन्होंने मुल्क की, चाहते वो हुक्मरानी, और है बड़ी गले आ।